नमस्कार, मैं हूं अली अब्बास। तेज रफ्तार न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों पर। गणपति बप्पा। आप लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा। कैसे एडमिट हो, कैसा हो जाएगा? हाँ, सर को जाने दो। सर इसी कड़े भी आइए, सर आइए। ना हॉस्पिटल में समथिंग कॉल हमने EICU सेटअप किया। EICU यानी ये मॉनिटर्स वगैरह उनको यहाँ ही देखने को मिलता है। तो हमारे कंसल्टेंट को जो कार्डियोलॉजिस्ट है, फिजिशियन, उनको दूर दूर जाके पेशेंट का रिपोर्ट मिलता नहीं है। तो यहाँ से घड़ी घड़ी फ़ोन करते हैं, सीरियस क्रिटिकल रहेगा तो इधर फ़ोन करते हैं, फिर वो कुछ बताते हैं। कभी कभी इन लोग फ़ोन उठा नहीं सकते, रेंज नहीं रहता, ऐसा इशू। तो इससे क्या होता है कि हम उनको ऐप दे देते हैं, यहाँ से कनेक्टेड है, रियल टाइम मॉनिटरिंग होता है। यानी उसका पल्स, BP, ECG सब उसको कभी भी चाहिए पूछने का जरूरत नहीं, रियल टाइम मिलता है। यानी पेशेंट को सिक्योरिटी मिलता है कि मेरे कंसल्टेंट भले यहाँ नहीं है पर कहीं से 24 घंटा देखते हैं। और कंसल्टेंट को फायदा होता है कि स्ट्रेस नहीं, उनको पूछने का जरूरत नहीं पड़ता है। कभी कभी उन लोग जवाब ही नहीं दे पाते, बिजी रहेंगे तो बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। EICU फिर बहुत से सब ऑटोमेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने डाले हैं। जैसे भी कोई भी पेशेंट आइए हॉस्पिटल के इस नए वास्तु का उद्घाटन हुआ ऐसा जाहिर करता हूँ। और इस हॉस्पिटल के जो मालिक है डॉक्टर ब्रजेश शाह, उनकी पत्नी, उनकी लड़की तन्वी, जमाई राजा का नाम क्या भैया? तने तने जमाई राजा नाम है डॉक्टर विश्वास। और उनके पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। खास करके जो हमारे छोटे स्टाफ है उनका जो एक अपनापन का भावना मैंने यहाँ पर देखा उस समय बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मैं डॉक्टर विजय से कहूँगा कि ये आप
कायम रखिए, और जो पेशेंट यहाँ पर आएंगे तो उनका भी लगाव और उनकी भावना भी आपके साथ में जुड़ जाए, इस प्रकार का एक काम करो। मुझे बात की पूरी जानकारी है कि यह करना मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन इसको चलाना बहुत कठिन है आप लोगों को, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बिल, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का टैक्सेस, लोगों के पगार, ये सारा अगर कैलकुलेशन करते तो इसका बहुत बड़ा वॉल्यूम हो जाता है, इतना प्रॉपर्टी का पैसा, उसका इंटरेस्ट, ये सब लगाते हैं तो। लेकिन उसके साथ साथ में दूसरी बात ये भी है कि जो सामान्य लोग हैं उनको हेल्थ केयर बहुत महंगा होते जा रहा है। मैं डॉक्टर वजह से कहूँगा कि आप एक छोटा सा नोट बनाकर मुझे दो तो मैं इसको पार्लियामेंट में उठा सकूँ, और हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत ही भावुक है, इस विषय को बहुत जल्दी टच करते हैं। कोई हमको एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि जिनके पास पैसे हैं उनको अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए, ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन जो सामान्य परिवार के लोग आते हैं उनको कैसा एडजस्ट कर पाएंगे उसका देखो। मैं कल पवाई हीरानंदन मंदिर में गया था, वहाँ पर गया इसलिए कि वहाँ पर एक मैं बहुत खुल कर कहूँ तो मेरा रिलेटिव गांव से आते समय उनकी मदर यहाँ पर एक्सपायर हो गई, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पर शॉर्ट ट्रीटमेंट लेकर एक रॉड डाला पैर में और उसको यहाँ पर लाकर एडमिट किया 2 दिन में, और सिर्फ पैर का जो रॉड डाला था उसको निकालने के लिए और 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट करने का 1,60,000 1,60,000 बिल हुआ। अब मैं वहाँ पर इसलिए विजिट किया कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं इसलिए विजिट किया कि चैरिटेबल हॉस्पिटल था, तो मेरे जाने से 25-50,000 रुपये उसका कम होगा तो अच्छा हो जाएगा करके, लेकिन मैं वहाँ पर 4 बजे पहुँचा और 2 बजे ही डिस्चार्ज दे दिया उन्होंने उनको। तो ये इस प्रकार की सब जो कैलकुलेटिव मोड, अभी उस हॉस्पिटल का मैं नाम भी ले सकता हूँ, उसका निर्माता बहुत बड़ा डेवलपर इस मुंबई शहर का और भला आदमी है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है उनको पता नहीं होगा। देश के प्रधानमंत्री बहुत भले हैं लेकिन नीचे क्या होता है सारी बातें उनको पता नहीं चलती है। तो मैं इस प्रकार से पब्लिक डोमेन में इस प्रकार की बातें हमेशा लाने का प्रयास करता हूँ, और मैं चाहूँगा कि यह हॉस्पिटल बहुत अच्छी तरह से चले, अच्छी सुविधा लोगों को मिले, नई टेक्नोलॉजी मुझे इन्होंने बताई, और नए टेक्नोलॉजी में दरवाज़ा कैसा खुलता है, टीवी कैसे ऑन होता है, एसी कैसे बंद होता है, 10 बातें उन्होंने मुझे बताई। मैंने कहा कि मेरी मन की एक बात है कि बिल कैसा कम होता है, वो जैसा तो उसका भी हम व्यवस्था करेंगे करके, लेकिन डॉक्टर वजह सर और उनके सारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं बहुत ही कोऑपरेटिव है, हम फोन करते हैं तो उसमें हमेशा मदद करते हैं, और मेरा जैसा व्यक्ति बहुत बार बार फोन भी नहीं करता, मैं जानता हूँ कि इनको भी कितनी तकलीफ होती है इस व्यवस्था को चलाने के लिए। मैं इतना अपेक्षा जरूर करूंगा कि आप आते ही पेशेंट का हालचाल पूछ लो, कहाँ रहता है, उसके फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, ये देख लो, अगर लगता है ठीक ठाक है उसको आप एडमिट करिए, नहीं तो उसको और दूसरी जगह पे शिफ्ट करके उसका इलाज हो, ये इतना भी हम करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा और उनके लिए भी अच्छा होगा। नहीं तो फोन तो नगर सेवक करते हैं, विधायक करते हैं, सांसद करेंगे, हमको तो खाली फोन ही करना है, लेकिन आप लोगों को प्रवट ना बीचिए तो सारा एक अच्छे माहौल में उसका एक मैकेनिज्म सेटअप करो, और बिंदु बहन आप यहाँ पर आइए तो मैं चाहूंगा कि सबके लिए ओम शांति हो जाए, डॉक्टर के लिए भी हो जाए, पेशेंट के लिए भी हो जाए, सबके लिए हो जाए। बहुत बहुत शुभेच्छा, धन्यवाद, भारत माता की जय। आपके संसदीय क्षेत्र में हॉस्पिटल खुला है, यहाँ के लोगों को क्या रियायतें दी? डॉक्टर को कहा, देखिए ये मैं बहुत खुल कर कुछ बातें करता हूँ, लेकिन मैंने शुरुआत में उसको कहा कि मैंने बात करना बहुत आसान है, लेकिन इतने बड़े सिस्टम को चलाना ये इतना आसान नहीं है, पैसे बहुत लगते हैं, इसलिए कोई एक मैकेनिज्म उनको सेटअप करना पड़ेगा, उसमें गवर्नमेंट का भी हेल्प मिलना चाहिए, और गवर्नमेंट एक सिस्टम बनाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये प्रधानमंत्री का जो आयुष्मान भारत योजना है, अब ये 2011 के एनरोलमेंट के हिसाब से हो रहा है, तो मैं उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ कि जो 300 फुट के घर में रहता है उसको 5 लाख रुपए का व्यवस्था मिलना, भगवान करे वो बीमार नहीं आया उसको, लेकिन आ जाता है तो उसकी 5 लाख की व्यवस्था होती है, इस प्रकार की व्यवस्था करना। फिर उसमें कार्ड में उसका नाम है नहीं है, वो गरीब है, ब्राह्मण है, दलित है, हिंदू है, मुसलमान है, ये बिल्कुल देखने का नहीं, 300 फुट का घर में रहने वाला आदमी गरीब है और गरीब के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, ये हमको आने वाले दिनों में करना पड़ेगा, और वो व्यवस्था हो जाएगी तो मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के छोटे छोटे जो हॉस्पिटल चलाने वाले चालक है उनको एक बड़ा रिलीफ हो जाएगा, उनको रिलीफ हो जाएगा, उनको जितने पैसे है चाहिए उसमें से वो मिल जाएगा, तो ये हम करेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन डॉक्टर लोग को बताते नहीं है कि गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए करके, ये तो मैं तो बहुत ही नीचे से आया हूँ और सभी से जुड़ा हुआ हूँ, और छोटी छोटी बातें भी मेरे तक लोग पहुँचाते, तो मैं इसको पब्लिक डोमेन में लाने का प्रयास करता हूँ। मैं दोनों बातों को जाहिर करना पड़ेगा, हमारा सिस्टम का भी दोष है और कुछ बड़े हॉस्पिटल के लोग उसमें
इस प्रकार का करते हैं कि चैरिटेबल हॉस्पिटल में दो दिन में एक रॉड निकालने का और दो दिन उसको बेड का 1,60,000 रुपया होता होगा, तो फिर नॉन चैरिटेबल हॉस्पिटल में क्या होता होगा? फिर मेरी आवाज अगर हीरा नंदनी के डॉक्टर अगर सुनते होंगे तो मैं चाहूंगा कि उसमें आप कुछ ना कुछ जल्दी करिए, नहीं तो फिर पॉलिटिशियन लोग झुंड को लेके जाकर उधर फिर गड़बड़ करते हैं, फिर हॉस्पिटल एक अच्छी चलती है उसमें बाधाएं निर्माण होती है, बंद हो जाता है। तो ये मैं उसका तरफदारी नहीं हूँ। हॉस्पिटल चलना चाहिए, आसानी से चलना चाहिए, उनको सपोर्ट भी होना चाहिए और हॉस्पिटल के लोगों ने भी एक नई मैकेनिज्म को कोई ना कोई माध्यम से सेटअप करना चाहिए जिससे सामान्य व्यक्ति को भी मिले, मिडिल क्लास को भी मिले, अपर मिडिल क्लास को भी मिले। ये हम आने वाले दिनों में करेंगे और उसमें सांसद के नाते मैंने जो कुछ भी करना चाहिए डॉक्टर आप मुझे बताएं, आई विल डू दैट। थैंक यू। बहुत ही मंगल दिवस है, मंगल घड़ी है और मंगल वेला है। आज इस एपेक्स हॉस्पिटल का नवनिर्माण कार्य संपन्न हुआ, इसकी शुभ शुरुआत हो रही है। उद्घाटन के इस अवसर पर पधारे हुए आप सभी भाई बहनों का इस एपेक्स परिवार की तरफ से, राजेश भाई, संगीता बहन और इस परिवार की तरफ से और ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है और आपको दिल से बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मदर टेरेसा ने डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी को कहा था, हेल्पिंग हैंड्स आर मच बेटर देन प्रेइंग लिप्स। और ये वो परिवार है जिसने अपने सारा ही जीवन सेवा में लगा दिया है। तो ऐसी महान आत्माओं को सबसे पहले तो हम दिल से अभिनंदन देते हैं, बहुत बहुत इस परिवार को तहे दिल से बधाई हो जिसने सारा ही जीवन सेवा में लगा दिया है। ये एपेक्स हॉस्पिटल 6th ब्रांच है। मुझे आज ये कहते हुए गर्व हो रहा है, पहले ब्रांच पर भी ऐसे ही गोपाल भाई और हम एक साथ स्टेज शेयर कर रहे थे 2007 में और आज ये 6th ब्रांच है। समझ में आता है कि जरूर बहुत जिसने दुआएं कमाई होंगी तो दुआएं ही असंभव कार्य को संभव कर सकती हैं। तो इसीलिए चलिए एक बार फिर से इस परिवार को दिल से जोरदार तालियों के द्वारा सम्मान दें। और ये भी कहना चाहूंगी कि अभी समय ऐसा है कि डॉक्टर्स को अब डबल डॉक्टर बनने की जरूरत है, कि फिजिकल हीलिंग के साथ साथ इमोशनल हीलिंग की भी जरूरत है पेशेंट्स को, जो भय के साथ आते हैं, जो दर्द को लेकर के आते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को केवल फिजिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, साथ में जरूरत है कि हम उनको इमोशनली भी हील करें। तो डबल डॉक्टर्स यहाँ के डॉक्टर बने, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। और साथ साथ डॉक्टर्स अपने आप का भी ध्यान रख सके, अपने आप को भी स्वस्थ रख सके, ऐसे समाज में कि जो समाज जो यहाँ पर हॉस्पिटल्स में पहुँचते हैं वो दर्द के साथ पहुँचते हैं, नेगेटिव एनर्जी को लेकर के जो आता है सो लेकर आता है। तो ऐसे में यहाँ के नर्सिंग स्टाफ, यहाँ के डॉक्टर्स को मैं एडवाइस करूँगी, रिकमेंड करूँगी कि जरूर मेडिटेशन की प्रैक्टिस आप अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करें ताकि आप स्वयं चैलेंजिंग सिचुएशंस में स्टेबल रह सकें। यहाँ हॉस्पिटल में केवल दुआएं कमाते हैं डॉक्टर्स इतने नहीं है, साथ में जो चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं उसमें वो डॉक्टर्स स्टेबल रह सके, नर्सिंग स्टाफ स्टेबल रह सके, उसमें जरूर मेडिटेशन उन्हें बहुत हेल्प करेगा। मैं चाहूंगी कि आने वाले दिनों में जो भी इस छत के नीचे आए उसे सुकून मिले, उसे लगे कि मैं सही स्थान पर आ गया हूँ, सही हाथों में आ गया हूँ, अब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ तो सब ठीक होगा। ऐसी इस हॉस्पिटल के लिए, डॉक्टर्स के लिए दिल से शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत आज के दिन की बधाई हो, बधाई। तो वो मैं जानता हूँ कि आपके माध्यम से पब्लिक तक वो जानकारी होनी चाहिए, मैं आगे के कार्यक्रम के लिए जाऊँगा, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी। एपेक्स हॉस्पिटल में हमने कोशिश किया है कि सारे डिपार्टमेंट्स प्रॉपरली इंटीग्रेटेड हो, एक दूसरे से बात करें और 100% थ्रू सिस्टम कंट्रोल हो। उसमें से एक है ईआईसीयू,
यानी इलेक्ट्रॉनिकली मैंने आईसीयू, तो हमारे को अगर ये आईसीयू नहीं रहते तो हम ट्रेडिशनली कैसे काम करते हैं कि अगर पेशेंट आईसीयू में सीरियस है तो कंसल्टेंट सब जो कार्डियोलॉजिस्ट है या फिजिशियन है जब बाहर जाते हैं तो उनको हर वक्त उसके रिपोर्ट्स जानने की बहुत ज़रूरत होती है कि इनका पल्स कितना है, बीपी कितना है, ईसीजी में क्या गड़बड़ है, आउटपुट यूरिन आउटपुट कितना है, सब जानकारी तुरंत चाहिए होती है। और क्या होता है बाहर रहते हैं तो यहाँ पे फोन करते हैं तो शायद डॉक्टर बिजी रहेंगे, फोन लगा नहीं, उठा नहीं पाए, ऐसे ध्यान से उनको तुरंत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो अभी हमने क्या किया कि ई आई सी में तो उसके हर कंसल्टेंट के मोबाइल पे एक ऐप डाल दिया है कि उससे जो भी आई सी यू के अंदर मॉनिटर रहते हैं उसमें टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बी पी, ई सी जी आउटपुट वो सब अपने आप उनको बिना पूछे उसके मोबाइल पे ऐप पे दिखता है। यानी डॉक्टर कंसल्टेंट को हॉस्पिटल के आईसीयू में फोन करने की या उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिससे डॉक्टर की एंग्जाइटी कम होती है कि यार मेरा पेशेंट ठीक है कि नहीं आईसीयू में, और पेशेंट को भी सिक्योरिटी मिलता है कि मुझे मेरा कंसल्टेंट दुनिया के कहीं भी कोई भी कोने में है वो मुझे मॉनिटर करते हैं, तो दोनों लोगों का एंग्जाइटी कम होता है, सिक्योर फील होता है। तो ये एक सिस्टम बनाने से हमारा हर पेशेंट को सिक्योर हैंड्स में हो जाता है। उसके अलावा जितने भी पेशेंट एडमिट होते हैं तो उसके ब्लड रिपोर्ट, एक्सरे, ईसीजी हर बार डॉक्टर ऑन ड्यूटी जिसको आरएमओ बोलते हैं उनको कंसल्टेंट को इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो एवरी टाइम नमस्ते सर आइए तो रिपोर्ट्स बताने की जरूरत पड़ती है, तो उसकी जगह पर हमने ऐसी सिस्टम बनाया कि जैसे भी ब्लड रिपोर्ट 8 बजे ब्लड कलेक्ट किया, 9 बजे रिपोर्ट रेडी है, तो मेरे मशीन से उस मशीन से ही उनको ब्लड रिपोर्ट, एक्सरे रिपोर्ट या ईसीजी रिपोर्ट सिस्टम के थ्रू ही डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। या तो हमने डिसाइड किया कि उस पेशेंट के रिलेटिव को जाना चाहिए तो अपने आप चले जाते हैं, इनको यानी ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती। या तो आदमी को जो रिपोर्ट लेने के लिए, लिखने के लिए, समझने के लिए जो टाइम लगता है, कभी कभी गलती आती है, सब जीरो हो जाती है। तो एवरी टाइम फास्ट ऑफ फास्ट ट्रीटमेंट करने के लिए जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है मिल जाती है। फिर पेशेंट एडमिशन हुआ तो कंसल्टेंट को, डॉक्टर को इन्फॉर्मेशन अपने आप थ्रू SMS सिस्टम से चले जाते हैं। डिस्चार्ज हुआ, ICU से आगे में गया, वो सब इमीडिएटली सिस्टम के थ्रू ही इन्फॉर्मेशन जाती है, हमको डॉक्टर को या सिस्टम को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर अगर समझो पेशेंट आईसीयू में है या कोई जगह बाथरूम में गया, 20 मिनट तक बाथरूम में गया, हमको बताने कि पेशेंट वहाँ बाथरूम में ठीक ठाक है कि कॉलेज हुआ, अगर रूम में है तो कोई रिलेटिव भी नहीं रहेगा ऐसा रहेगा तो नर्स को पता नहीं चलता, बट हमारे वो सिस्टम में पता चलता है कि 20 मिनट बाथरूम में गए तो सिस्टम पे अलर्ट आता है, जरा देखते हैं बाथरूम में पेशेंट ठीक ठाक है कि नहीं। काफ़ी बार क्या होता है स्पेशली रात में पेशेंट कॉलेप्स हो गए, नर्स को पता नहीं है पेशेंट रूम में सोया है कि बाथरूम में गया, सुबह जाते हैं पता चला अरे पेशेंट को बाथरूम में कॉलेप्स होगा, शायद क्रिटिकल रहेगा, शायद डेथ हो गया। ऐसी सिचुएशन में 20 मिनट्स में अगर पेशेंट बाथरूम से नहीं आया सिस्टर को अलर्ट होता है, सिस्टर जाके देखते बाथरूम में है ठीक ठाक है तो ठीक है वापस आके बैक टू द वर्क। तो पेशेंट सेफ्टी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर बहुत बार ऐसा होता है कि स्पेशली मल्टी ऑर्गन फेलियर जिसमें किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, किसी उसी पेशेंट को हार्ट का प्रॉब्लम है, लीवर का प्रॉब्लम है, तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है तो 4-5-6 अलग अलग कंसल्टेंट उसको ट्रीटमेंट देते हैं। तो अभी कार्डियोलॉजी तो जो ट्रीटमेंट दिया है शायद किडनी के डॉक्टर को पता नहीं है या उनको समझता नहीं, ऑर्थोपेडिक ने क्या ट्रीटमेंट दिया वो किडनी हार्ट के डॉक्टर को नहीं समझता, तो सब लोग अपने दवाई लिख के चले जाते हैं। फिर बहुत बार क्या होता है कि हॉस्पिटल के वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉज ऑफ डेथ इज ये ड्रग इंटरेक्शन, यानी हार्ट की दवाई का साइड इफेक्ट के कारण कॉम्प्लिकेशन हो जाता है क्योंकि उसकी दवाई और ऑर्थोपेडिक की दवाई में इंटरेक्शन होता है, ड्रग इंटरेक्शन बोलते हैं, यानी गलत कॉम्प्लिकेशन उसके कारण होते हैं। तो अभी हमने सिस्टम ऐसा बनाया है कि अगर एक दवाई दूसरी दवाई के साथ में गलत इंटरेक्शन करता है तो दूसरी दवाई को डालने को सिस्टम अलाउ ही नहीं करेगा, यानी जो वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉज ऑफ डेथ या कॉम्प्लिकेशन इन द हॉस्पिटल बिकॉज ऑफ ड्रग इज ड्रग इंटरेक्शन वो ऑलमोस्ट जीरो या कम हो जाता है। तो ऐसे बहुत से सिस्टम हमने डाले जिससे पेशेंट का केयर बहुत हाई क्वालिटी हो जाता है, पेशेंट की इंफॉर्मेशन टू कंसल्टेंट बहुत जल्दी से मिल जाती है जिससे ट्रीटमेंट फटाफट हो सकता है, एरर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एरर्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट नील हो जाता है। तो अभी ये हमने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे। आई डू नॉट नो वेदर एनी हॉस्पिटल इन सिटी ऑफ मुंबई टुडे हैव ऑल द सिस्टम इन वन प्लेस, दिस इज वन ऑफ द पायलट प्रोजेक्ट विच वी हैव स्टार्टेड।
if we would do well, we'll see that every hospital will have this kind of a facility. उसके अलावा एक होम ऑटोमेशन सिस्टम डाला है जो IoT बेस्ड है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड है. उसमें क्या होता है कि अगर पेशेंट बेड पे है, उसको टीवी का रिमोट कहाँ पड़ा है, एसी का रिमोट पड़ा है, क्या वो उसको ऑपरेट करने को आएगा नहीं आएगा, तो क्या करेगा, सिर्फ जोर से चिल्लाएगा या प्यार से बोलेगा टीवी ऑन 108 चैनल चालू, तो अपने आप टीवी ऑन हो जाएगा, 108 चैनल चालू हो जाएगा. वो बोलेगा एसी ऑन, टेम्परेचर 22 डिग्री, तो एसी चालू हो जाएगा, 22 डिग्री टेम्परेचर सेट हो जाएगा. उसको अगर नींद आता है तो बोलेगा स्लीप मोड, तो डिम लाइट हो जाएगा, कर्टन्स बंद हो जाएगा, वैसे गुड नंबर ऑफ थिंग्स ऑटोमाइज हो जाएगा. बाथरूम में जाएगा, रात में अंधेरा रहेगा, गुड नंबर ऑफ पीपल फॉल बिकॉज रात को दिखता नहीं है, स्पेशली सीनियर्स को, तो अपने आप जैसे हिलेगा लाइट चालू हो जाएगा, बाथरूम में गया लाइट चालू हो जाएगा. तो दीज आर ऑल फ्यू ऑफ द सेफ्टी इश्यूज विच वी आर ट्राइंग टू हैंडल विथ लॉट ऑफ ऑटोमेशन एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो अगर आप कोई चाहे देखना तो हम आपको डेमो भी दिखा सकते हैं, मिस्टर प्रखर करके जो पूरा ये ऑटोमेशन देख रहे हैं. तो आई वुड रिक्वेस्ट जस्ट टू हैव एन एक्सपीरियंस, एक बार आप देख लीजिए हाउ थिंग्स वर्क. थैंक यू ऑल एवरीबॉडी. ईआईसीयू ऐप पेशेंट कैसे जुड़ेंगे, ईआईसीयू ऐप आपने जो बनाया है वो उसको पेशेंट कैसे जुड़ेंगे? पेशेंट को सबसे पहला क्या होगा कि अगर कोई आईसीयू में पेशेंट है तो उसको पता चलेगा कि कंसल्टेंट मेरा मॉनिटर रियल टाइम कर सकता है, तो आधा स्ट्रेस तो उसको चले जाता है, क्योंकि कंसल्टेंट अगर सामने है तो उसको अच्छा लगता है, पर जब चले गया उसको दो चार सवाल आते हैं, अरे कंसल्टेंट को ये मालूम है कि नहीं मेरा ये रिपोर्ट आया, पता है कि नहीं, वो एंग्जाइटी रहती है. पर अभी उसको पता चलेगी कि रियल टाइम 24/7 मेरा कंसल्टेंट ही देख सकता है, ये यहाँ के ड्यूटी के डॉक्टर को फ़ोन करके मैसेज करने का बताने की जरूरत ही नहीं है, तो उससे बहुत सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होता है. और गुड नंबर ऑफ बीमारी सिर्फ ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी से ही चले जाते हैं, एक कॉन्फिडेंट बनता है कि हाँ मेरा डॉक्टर ठीक से देख सकता है, 100% मैं मॉनिटर हूँ, तो स्ट्रेस लेस चले जाता है. नॉट ओनली पेशेंट, डॉक्टर को भी बहुत कंफर्टेबल हो जाता है कि अरे मेरा तो हर चीज़ मैं मॉनिटर कर सकता हूँ, पेशेंट का स्ट्रेस मुझे रात को 2 बजे भी अगर कुछ गड़बड़ रहेगा तो मुझे पता चला, मुझे पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा. थैंक यू सर. एजुकेशन सर आपने देखा ही नहीं हॉस्पिटल था सर, एक इंट्रोडक्शन कर इंट्रोडक्शन मैं पहले तो शुक्रगुजार हूँ अपेक्स हॉस्पिटल के जो प्रमुख है, मालिक है ब्रिजेश शाह जी, हमारे बोरेली में कम से कम नहीं बोला तो उनके 3 या 4 हॉस्पिटल है, 6 और सबसे बड़ी बात कि जो चंदावकर लेन में जो हॉस्पिटल है वहाँ महात्मा फुले गांधी योजना जो है उसका पूरी तरह से वो लोग उसका गरीबों को सहायता करते हैं. आज इतने आरोग्य के बारे में कल भी तो सर ने बताया कि आरोग्य के बारे में हमारा देश बहुत पीछे है. हमने कोरोना के काल में देखा होगा हमारे देश ने कोरोना ने आरोग्य की बहुत अच्छे से देखभाल की, तो इसी तरह से आरोग्य के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा कैसी दी जाए, इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री प्रयत्न कर रहे हैं, उसने हाथ पैर लगाने का काम डॉक्टर मुझे शाह कर रहे हैं. अभी उन्होंने पता है ऑटोमेटेशन का सब ऑन द स्पॉट ऑन द ओन ऐप पे सब मिलेगा, इससे मेरे ख्याल से जो अनपढ़ थोड़ा उनको थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन जो पढ़े लिखे उनको अपने मोबाइल पे सब पूरा आ जाएगा, पेशेंट कैसा आया मेरे ख्याल से पहला ऑटोमेटेशन होगा. इससे मेरे बम्बई में ऐसा नहीं लगता है, पेशेंट के माँ बाप पेशेंट के जो रिलेटिव है उसको भी यहाँ बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना सब कुछ फैसिलिटी उन्होंने दे रखी है. इसलिए मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ. एक यहाँ हॉस्पिटल आने से सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल मेरे माता क्षेत्र में नहीं था, और वो यहाँ आने से यहाँ के लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी. मैं उनको ये कहूँगा कि इसमें भी अगर शासन की मदद लगती है तो हमारा शासन है मंत्री महोदय हमारे तो यहाँ भी महात्मा फुले योजना अगर वो यहाँ भी लागू करेंगे, यहाँ जो झुकी लोकप्रिय जोहरपति लोग बड़े पैमाने पर गरीब लोग आ रहे थे तो उनको भी इतने अच्छे हॉस्पिटल में उनको इतना अच्छा हॉस्पिटल देखने का क्या हो देखने की चांस मिलेगा उनको, तो ऐसा भाई इतने अच्छा हॉस्पिटल में कहा जाते शता द्वारा छोटे मोटे हॉस्पिटल में जाते हैं, तो मैं उनको वही दरखास्त करूँगा यही योजना अगर आप यहाँ चालू करेंगे
आपको जो भी मदद देंगे शासन की तरफ हम देंगे, मैं उनका बहुत तरह से शुक्रगुजार हूँ क्योंकि एक अच्छा अस्पताल हमारे इधर मिला है। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं अली अब्बास। तेज रफ्तार न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर।